हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी टी एंड टी टी प्रिपरेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास सिक्स के एनसीईआरटी के भूगोल को एक्सप्लेन करूँगी। इसका एक और वीडियो मैं बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैं बताई थी कि इस चैप्टर को मैं 3 भागों में बनाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आइए इसका पार्ट 2 आज शुरू करते हैं। इसमें विभिन्न ग्रहों के बारे में दिया हुआ है और कौन से ग्रह को सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बना लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुध को देखते हैं। इसको सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में बुध को 88 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में 59 दिन का समय लगता है। ठीक है, सूर्य का परिक्रमण में 88 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन में 59 दिन। अब शुक्र आ गया। शुक्र को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 255 दिन लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 दिन लगता है। ठीक है, पृथ्वी आ गई। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में पृथ्वी को 365 दिन लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में पृथ्वी को 1 दिन लगता है। और यहाँ चंद्रमा की संख्या जो है 1 है। ठीक है, मंगल ग्रह। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में मंगल को 687 दिन लगता है और अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में 1 दिन लगता है। और यहाँ चंद्रमा की संख्या 2 है। और देखिए आंतरिक ग्रह आया। आंतरिक ग्रह क्या होता है? तो आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत नज़दीक है और ये बने किस चीज़ के हैं? तो चट्टान से बने हैं। अब आया बृहस्पति। सूर्य के चारों एक परिक्रमण करने में 11 साल 11 महीने यानी लगभग 12 दिन लगता है और अपने अक्ष पे एक बार घूर्णन करने में इसको 9 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है। और यहाँ चंद्रमा की संख्या जो है 16 है। ठीक है, छठा शनि आ गया। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 29 साल 5 महीने और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। और यहाँ चंद्रमा की संख्या जो है 30 से अधिक है। ठीक है, अब बाह्य ग्रह आया। बाह्य ग्रह यह सूर्य से बहुत दूर है, बहुत बड़े आकार में है और यह गैस और तरल पदार्थों से बना हुआ है। आंतरिक ग्रह के बारे में देखे थे कि यह सूर्य से बहुत नज़दीक है, बना हुआ है चट्टान का, लेकिन बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है और बड़े आकार का भी है और एक गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। अब यूरेनस को देखते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में इसको 84 साल सूर्य के चारों ओर यूरेनस को एक परिक्रमण पूरा करने में 84 साल और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट लगती है। और चंद्रमा की संख्या लगभग यहाँ पे 17 है। अब नेपच्यून को ले लीजिए। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में इसको 164 साल लगता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में नेपच्यून को, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट। और यहाँ पे चंद्रमा की संख्या जो है यह 8 है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज इसका चैप्टर 2 आ गया। हाँ, अब है सबसे पहले इस साइड जो दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पौराणिक रोमन कथाओं में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। पौराणिक रोमन कथाओं में सोल जो है सो सूर्य देवता को कहा जाता है और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। ठीक है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के परिवार को सौर मंडल इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोल सूर्य देवता का नाम है और सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखने बच्चों के लिए है शब्द की उत्पत्ति। अब देखिए ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से मिलकर लिए गए शब्द होते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी शब्द आता है ना,
ज्योग्राफी शब्द अंग्रेजी शब्द है, भूगोल का जो अंग्रेजी है ज्योग्राफी, या अंग्रेजी शब्द है। और यह लिया कहाँ से गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो शब्दों से मिलकर बना है जी, शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ है लिखना। तो पृथ्वी से संबंध में और कुछ आगे हम लोग जानेंगे। देखिए ज्योग्राफी का यहाँ पे पूरा दिया गया हुआ है, ठीक से दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है सूर्य। अब हम लोग क्या आप जानते हैं, ठीक है यहाँ पे देखते हैं क्या है। रात के समय को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित होता है। खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। प्राचीन आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, और आर्यभट्ट जो थे सो प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। और आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं, ठीक है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान सात अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा द्वारा ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उसमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी है। तो हम लोग देखे हैं जितने भी ग्रह के बारे में, तो उसमें बहुत सारे ग्रह के बारे में देखे होइएगा, अपनी खुद की चंद्रमा भी थी। और चंद्रमा जो है एक उपग्रह है, जैसा कि आप पहले से भी जानते होइएगा। और यह हमारी पृथ्वी का के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, और हमारी पृथ्वी के समान वही सात अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी होती है, ठीक है। अब सौरमंडल आ गया, तो सूर्य आठ ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड सौरमंडल में, देखिए क्या क्या मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य आठ ग्रह उपग्रह तथा कुछ और जो खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और उसे हम सौर परिवार का उसे हम लोग सौर परिवार का नाम देते हैं। और सौर परिवार का मुखिया जो है वो सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य जो है सो बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैस जो होता है उससे बना हुआ है। और इसका इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसमें खिंचाव बल जो है जो इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। और सौरमंडल के लिए सूर्य जो है यह प्रकाश का, रोशनी का और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी सूर्य के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसकी ऊष्मा को हम इसलिए नहीं महसूस करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा हो यह है, लेकिन फिर भी हम इससे बहुत दूर है, जिसकी वजह से हम इसके तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। और सूर्य पृथ्वी से देखिए लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ग्रह को देख लीजिए, हमारे सौरमंडल में आठ ग्रह है। सूर्य के दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य के दूरी के अनुसार इसका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ सूर्य की दूरी के अनुसार अंग्रेजी में आठ ग्रहों का नाम याद करने का तरीका दिया गया है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। सौरमंडल के सभी आठ ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। और सौरमंडल के जितने भी आठ ग्रह हैं यह एक निश्चित पथ से, एक निश्चित रास्ते से सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, इसको हम लोग कक्षा कहते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं, ठीक है। सूर्य बुध के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन ही लगते हैं। और बुध जो है यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है। और
अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल बुध को मात्र 88 दिन लगते हैं, और पृथ्वी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी देखिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, शुक्र जो है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही होती है। इसको जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी आकार और आकृति जो होती है सो लगभग पृथ्वी के समान ही होती है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक यानी अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो ये माना जाता था ग्रह, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई कब? अगस्त 2006 में। यह भी इम्पोर्टेंट है। यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका पार्ट 3 भी मैं लेकर आऊँगी। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।